माँ के हाथ के खाने की बात अलग ही होती है। हमें सुबह सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें मिल रही है, तुम्हें तो है क्या बात है। अब्बू अच्छा बनाते हैं, मम्मी अच्छा बनाते हैं खाना। अब्बू का मौका मिल जाए तो अब्बू भी अच्छा बनाते हैं, मम्मा भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन ज्यादा अम्मा बनाते हैं। ज्यादा अम्मा बनाती हैं, ज्यादा मौका नहीं। दोनों अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाबा को मौका मिल जाए तो बाबा अच्छा बनाते हैं, वरना रेगुलरली तो मम्मा ही। उल्लू कौन बनाता है, अम्मी अब्बू बनाते हैं या तुम लोग बनाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घर में कोई नहीं। मुस्कान तुम बताओ, तुम उल्लू बनाती हो अम्मी को? नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह से हमारा नहीं बनता। झूठ नहीं बोलते? सच्ची बताओ। हाँ हाँ, कभी झूठ नहीं बोला? नहीं। स्कूल बंक नहीं किया? नहीं। किसी ने भी? चीटिंग की? नहीं 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 नहीं। और एक बच्ची गुंडा है, क्लास की गुंडे। हाँ मारते हो आपते हो सबको? नहीं नहीं। हाँ बस बोलने कहते ना निका आ गई। अब अगर कोई मेरे बैग पे स्टेप भी कर देता है ना, और पता चला निका का बैग है, भाग जाता है। दादा हो तुम, खाई लो। क्या बात है फजल, तुम बड़े होके किसी किस फिल्मी हीरोइन से शादी करोगे? जो अच्छी आएगी उसी से। नहीं, अगर तुम्हें मौका दिया जाए, अभी जो हमारी जितनी है, रीमा जी है, मीरा जी है, रेशम जी है, निर्मा जी है, इनमें से किससे शादी करोगे? इनमें से नहीं, जो जो किस्मत में होगा वही है। हाँ किस्मत में होगा क्या मतलब? भाई भाई देखे ना, अल्लाह मियां ने वो कहते हैं ना फिल्मों में, ये जोड़ियां आसमान ऊपर बनती है, तो इसलिए जो भाई ये सुन के करती ना खुदकुशी कर ली थी। ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। ये जोड़ी आसमान पे बनती है, आपकी रूह और हमारी तो एक्सचेंज हो गई। ऐसे ही लग रहा है, आप बच्चे बन गए, बड़े बन गए। तुम लोग बड़े बन गए हो, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा भाई, अच्छा मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ, जब तुम लोग स्कूल जाते हो और लंच करते हो तो अपना लंच बॉक्स छोड़ के दूसरों का अटैक करते हो? नहीं, किस तरीके से करते हो तुम लोग? खुला सफाई से कर लेते हो आपस में? नहीं लेते, तुम लोग शेयर करते हैं? कभी 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 पार्टी तो होती है। अगर मेरी फ्रेंड के पास नहीं होता तो फिर मैं उसे देती हूँ, फिर वो कहती है कि नेक्स्ट अगले दिन मैं आपको जो है ना वापस दे दूँ। मेरी शिकायत है। करम भाई आपके बस का इंतजार कर रहे हैं, अकेले कोने में बैठे हैं आपके वेटिंग रूम में, अभी तक आँख नहीं खुली आपकी, बताए ना आप चुप चुप क्यों हैं? आप भी चुप चुप हैं? आप बोले, दोनों चुप चुप हो हैं? वो देखो इतना झूठ झूठ बोल रहे हैं सारे, आप लोग बोल ही नहीं रहे। ये पक्के बच्चे हैं, आप लोग तो छोटे पकड़ नहीं सकता है ना, बड़े हो गए तुम लोग एक्टर के बजाय सियासतदान बनोगे। मेरी शिकायत है जी भाई, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि नौजवानों तुम मुस्तकबिल के मेहमान हो, और तुम्हें नज़्म ज़ब्त से काम लेना है और तालीम हासिल करनी है। लेकिन हम तो तालीम हासिल कर ही नहीं पाते, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, तो हम तालीम हासिल कैसे कर पाएंगे? वैसे ना मैं भी ये सोच रहा था कि मैं भी कोई ऐसी बात जो है ना वो ज़रूर आज बोलूँ अपने जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको, कि खुदा के लिए इतनी महंगाई मत करो कि हमारे जो अम्मी अब्बू है ना वो हर वक्त परेशान रहे और हमें टाइम ना दे सके, और वो बेचारे जो है ना काम कर करके पागल हो जाए, है ना, पैसे कमाने के लिए हर वक्त पागल होते रहे और फिर भी घर के खर्चे पूरे। जैसे हमारे पास तो जनरेटर, यूपीएससी जिनके पास नहीं है उनका क्या हो? सोचो जरा, सोचो जरा जिन लोगों को ना अपना क्या कहते हैं चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, उन बेचारों के साथ क्या, और वो इतने सारे लोग जो सैलाब में बेचारे इधर उधर हो गए, सैलाब जदगान जिन्हें बोलते हैं, उनका क्या हाल हो? तुम लोग करते हो कुछ स्कूल में फंड रेजिंग वगैरह करते हो? आते हैं, शुक्र है भाई वो बोले शुक्र है। कहाँ आते हैं? तो आपने पैसे दिए थे, जमा किए थे? हमारे स्कूल में ना वो टॉफी वाले आए थे। अच्छा तो ना उन्होंने मुझे ना गेम दिया था। हमारे भी हुआ था, सलाम दरवाजे में जमा कर दिया। अच्छा जो कुछ हो सकता था किया, मैं हमने भी दिया था, बहुत सारे मिनरल वाटर से जो भी चीजें थी ना यूज करने वाली सब थी। तो रोज अगो अभी तो हमें रोज ही करना है ना, अभी तो वो लोग अभी भी प्रॉब्लम में, तो हमने तो एक ही बार करके फिर छोड़ दिया। एक बात है, हम लोगों के अंदर भी ईमान खत्म हो गए हैं,
बड़ी भारी भारी बातें हो रही है सुबह सुबह, इतनी भारी बातें तो मैं भी नहीं सोचता। नहीं नहीं मजाक नहीं करते हम, जल्दी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं करते। मैं तो ये कह रहा था कि अगर हमारे सियासतदान भी बचपने में ऐसा सोचते तो आज ऐसा नहीं होता जो हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम सब बड़े होके ना तो अपना क्या कहते हैं सारे हालात सही कर देंगे। पायलट कौन बनना चाहता है? जहाज उड़ाओगे बड़े होके? डर नहीं लगेगा इतना ऊपर लेके जाओगे जहाज तो? कागज से जहाज बनाया कभी? मैं बड़े होके इंशाल्लाह मुझसे पाकिस्तान के लिए जो हो सका मैं करूँगा। लाइक क्या क्या करोगे? एक्टिंग तो कर रहे हो? एक्टिंग तो करूँगा, एक्टिंग करूँगा। और मतलब जब बड़ा हो जाऊंगा जो कुछ हो सकेगा, अभी तो जैसे हालात है उनके हिसाब से, लेकिन जब बड़े होके पाकिस्तान के जैसे हालात होंगे उनके हिसाब से करना पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा करम, करम, करम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्या बात है। आज हमने आगा अंकल से पूछा था, उन्होंने बताया कि जो बच्चे बहुत ज्यादा यूं करके बैठते हैं ना वो बंदर की तरह ही हो जाते हैं, तो सीधा बैठना यूं करके कंप्यूटर के आगे भी। हाँ करम, जहाज जब उड़ाओगे तो साथ किसको लेके जाओगे? घर वालों। हैं? कोई और नहीं बैठेगा इसके साथ? कोई और नहीं बैठेगा? बैठेगा घर वालों को, घर वाली को? बताओ ना। अच्छा आप क्या बनोगी बड़े होके? टीचर बनोगी? तो बच्चों को डांटोगी आप, फिर बच्चों को मारोगी भी? ये अपना सर रूप में लेंगे, अगर होती ना तो आपकी सीट होती, आप यहाँ होते तो मैं तो आ जाता हूँ। आप शर्मा क्यों रही हो? मैं तो नहीं शर्मा रहा, बबली भी नहीं शर्मा रही। देखो बताओ तुमको आने से मारते हो यहाँ पे? हम लोग तो फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग कुछ भी बुरा नहीं मानते। अच्छा पेट किसने पाला हुआ है घर में, जानवर? आप अगर स्टोरी सुनेंगे ना रोने वाली होगी। हमारी पेट इतनी प्यारी, उसका नाम रुजेला था, बट वो मेल थी। अच्छा हमें पता नहीं था वो मेल है, लेकिन हमने रुजेला रख दिया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात के घर में जो खाना है उनको नहीं पसंद ना, बड़ी बहन को भी नहीं पसंद ना वो, तो मम्मा ने जाके ना अपने स्कूल में छोड़ दिया, ठीक है। और पता चला अगले दिन ना वो स्कूल में ही नहीं, स्कूल से चली गई। अब इसकी रोने वाली शक्ल। लेकिन हाँ हमारे पास पेट भी है, अब पहले थे बोले रुजेला को इतने प्यार से खिलाते थे हम लोग, परचिन बिल्ली की बेटी थी। अच्छा भाई गाना कौन कौन गाना चाहता है? तीन हाथ खड़े हुए हैं, कॉल भी है। चलो पहले कॉल कॉल अली का तुम लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपके आज हैं बबलू और बबली, तो इनसे भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बबलू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम सेट। और बबली आप कैसी हैं? ठीक हूँ। हाँ बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी, और बबलू भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और हमारे इतने प्यारे प्यारे एक्टर आए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे, और माशाल्लाह इनका मैं क्या कहूँ, जो अदाकारी ये करते हैं बहुत अच्छी, बिल्कुल हकीकत में रंग भर देते हैं, इतनी प्यारी अदाकारी करते हैं। और दूसरा ये कि मुस्कान, और मुस्कान का नाम तो मुझे मालूम है, इनके साथ जो उमर है उमर, और दूसरा ये भोले का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनके लिए वो मैं कहूँगी कि ये मेरे बेटे की तरह लगते हैं। उस्मान मेरे बेटे का नाम है, और मुस्कान मेरी बेटी की तरह लगती है, बिल्कुल इनकी शक्ल बहुत मिलती है ना, तो अदाकारी भी बहुत अच्छी तरह लगता हूँ। आप भाई की तरह? आप मेरे भाई की तरह लगते हैं। आप भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी। हाँ ठीक है ठीक है। और आपने बबलू की तारीफ कर दी, बबली रोएंगी ना फिर? हाँ नहीं नहीं बबली की ही तारीफ कर रहे हैं ना, वो क्यों रोएंगी, वो भी वो तो सबसे पहले मैंने कहा है कि बबली बहुत प्यारी लग रही, बहुत अच्छी बच्ची लग रही है माशाल्लाह, बहुत क्यूट सी। चिश्माटू? हाँ चिश्माटू, चिश्माटू मेरी बेटी की चिश्माटू है। हाँ ये खाने को पड़ता है। हाँ जवाब ये है कि 1913 आपका जाओ, ठीक है नोट हो गया। अच्छा आपके प्रोग्राम का नाम? हाँ हमारे प्रोग्राम का नाम, आपके प्रोग्राम का नाम वो आप अभी बता रहे थे ना, बताएं जरा, दिखाएं इन्हें। हाँ दिखाएं, मैं फिर आपको बताती हूँ। दिल से पाकिस्तान जी, नई सुबह, दिल से पाकिस्तानी, दिल से दिल 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 तक मुस्कुराते थे मॉर्निंग, मुस्कुराती मॉर्निंग विद फैशन। ओके जी ओके। अनिका की भी यही चॉइस है, गरीब की भी यही चॉइस है। ओहो करम भी यही चॉइस है, तो पांच भी यही चॉइस।
क्या बात है, यही मुस्कुराती मौन। एक और कॉल आ गई, अब कौन लेगा?